नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईएमआई करना चाहते हैं या ईएमआई कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ईएमआई के अंदर एडमिशन जो फर्स्ट में होता है या री एडमिशन होता है वो कैसे किया जाता है, क्या ऑनलाइन पॉसिबल है या नहीं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर कुंजी चैनल। तो चले बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, एएमआई वर्ड आपने सुना होगा जिसका कि फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या इसको आजकल जो है आईईआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करवाते हैं, ये आपको जो है 3 ईयर का बीटेक डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कोई कॉरेस्पोंडेंस कोर्स नहीं है, ये फुल टाइम रेगुलर कोर्स के बराबर होता है। और यही एक इंस्टीट्यूट है जिसका बीटेक किया हुआ आज भी वैलिड है, हर डिपार्टमेंट में हर जॉब में इनका बीटेक जो है वो वैलिड है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे कि क्या इसका ऑनलाइन एडमिशन पॉसिबल है, तो फ्रेंड इसके ऊपर ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इनके प्रोस्पेक्ट लेके फॉर्म भरना पड़ता है, जो पुराने जो मेंबर होते हैं ईएमआई के उनसे आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है फॉर्म को, और उसकी फॉर्मेलिटीज काफी होती है जो कि फिजिकली आपको जो है बाई पोस्ट रजिस्ट्री करके आईईआई हेडक्वार्टर कोलकाता में भेजना पड़ता है। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो एग्जाम जब आपका आता है तो एग्जामिनेशन आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कर सकते हो। वहां पे आपको फिजिकली फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ कि 2018 से पहले ऑनलाइन में इनका पेमेंट ओनली क्रेडिट कार्ड से होता था, नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं था। मगर आज इन्होंने जो है आज एट प्रेजेंट इनके यहाँ पे डेबिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग हर चीज से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे रजिस्टर किया जाता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कैसे रजिस्टर किया जाता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप जो है हमारे वीडियोस के ऊपर क्लिक करके भी आप उनको देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा री रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन पॉसिबल है, और जो इनके प्रोजेक्ट वर्क हैं उनके लिए अभी तक ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन इनों का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी एएमआई का सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो जाएगा। और यही था आज ये पूरा लेटेस्ट अपडेट एएमआई के बारे में कि कैसे आप ऑनलाइन इसमें फीस जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका एएमआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी, किसी प्रकार का भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और सो दैट हमें भी पता चले और बाकियों को भी उसके बारे में जानकारी मिले। और जो हमारी टीम है वो आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए हमेशा रेडी रहती है। और देखते रहिए कंप्यूटर कुंजी चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन जरूर टच करें, सो दैट ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर कुंजी चैनल। हैव ए गुड डे।